और जो फराह खान जी की मिमिक्री करती हो गजब की है। स्टॉप यार, मैं थक गई हूँ यार, मैं कितना करूँ यार, जाने दो मुझे, चलो 5-6-7-8 बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग निकल चुके हैं एक दोस्त से मिलने के लिए, काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं, कॉफी के लिए मिलेंगे, शायद कुछ चाट पकौड़ी भी हो जाए साथ में, आई मीन स्नैकी मिनैकी। नाउ वी आर लीविंग फॉर मैरियट, तो जो एक दोस्त है उसको आज हम मिलने आ रहे हैं, सो इट्स अ सरप्राइज फॉर यू गाइज, मिलने आ रहे हैं। ये मीटिंग काफी टाइम से ड्यू थी, अब वो हम लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या क्या हुआ, वो आपको अभी वहाँ जाकर बताते हैं। मैं इधर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, पता है ब्लॉग ऑन है मेरा। यू कम आउट, अंदर ये बाथरूम में ही है, मैं बाथरूम में पकड़ती हूँ सीधा, लेकिन इसकी आवाज से पहचानो, तुम हेलो बोलो, हेलो इस वाले में हो या इस वाले में? अरे देखो आवाज से आप पहचानो कौन है। ग्लैमरस एंट्री देनी है, आओ जेमी आती नहीं है, तब तक मैं वॉशरूम होके आती हूँ। अच्छा। मुझे क्या मतलब, तुम यही फॉलो करो, आप प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, थोड़ा दीदी का ब्लॉग मैं कर रही हूँ अभी गाइस। वाओ, अरे इसे आराम से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, पहले इंट्रोड्यूस क्या कराना है, मतलब आराम से बताती हूँ, सारी चीजें बताती हूँ। एक बार पहले मैं वॉशरूम हूँ। तो दोनों बाथरूम से बाहर निकलती हुई जेमी और संभावना, एंड हम कितना टाइम से प्लान कर रहे थे मिलने का, और चांस की बात है कि ब्लॉग तो हम लोग पिछले एक साल से साथ में करना चाह रहे थे। एक साल हो गया, कब से तुम ज्यादा लॉन्च नहीं हो रहा है, कब से मतलब लॉन्च ही हूँ, आ जाओ यार, आओ ब्लॉग के अंदर आओ, थोड़ा सा पब्लिक देखना चाह रही है। और मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत लोगों ने मुझे बोला था, तुम्हें पता नहीं है कि जेमी के साथ ब्लॉग करो, मुझे भी डीएम्स आए बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कि कब आ रहे हो आप ब्लॉग के अंदर, बिकॉज वो हमारा जो इंस्टा लाइव पे हमने बात की थी ड्यूरिंग कोविड, वो एक चैट बहुत लोगों ने पसंद किया था, एंड दे वर लाइक नहीं आप ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे, हमको ब्लॉग में देखना। और तो ना सही बताती हूँ, जेमी अब मुझे लास्ट वीक ही यहाँ पे मिल गई, यहीं पे सेम प्लेस, कंप्लीट सरप्राइज। तो उस दिन हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, बट हम लोग एंटर करे और जेमी ने पीछे से किसी ने तो मुझे आके ऐसे पकड़ा। अच्छा, मैं ये सोच रही थी क्योंकि मैंने आपको इतनी जोर से खींचा है, मुझे बड़ी देर, आप बुरा तो नहीं मानोगे, इतनी जोर से खींचा ना, तो मैंने कहा ये कोई बहुत अपना है, मैंने इनको देखा, ये तो कहाँ से आई है, तीर की तरह आई है साइड से, मैंने कहा मैं तो पकड़ के रहूंगी, मैं भागी, मैंने कहा फाइनली जी यहाँ पर जेमी, मैं और अविनाश तीनों मिल गए हैं। जब भी मैं किसी से मिलने जाती हूँ ना, सच्ची बता रही हूँ, अविनाश नॉर्मली बीच में आता नहीं है कभी भी, जेमी से मिलने के लिए मैं जरूर जाऊंगा, सो स्वीट, लाइक वी बोथ लव यू सो मच, सच्ची में दिल से, मतलब ठीक है, मैं आप दोनों की फैन हूँ, बहुत मैं हो गया, बस हो गया, नहीं मैं सच्ची बात है, मैंने सबको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बहुत ही कम ब्लॉगर्स है जिनको मैंने सब्सक्राइब किया, एंड यू आर एट द टॉप ऑफ माय लिस्ट। अरे यार थैंक यू, मैं नेम कर सकती हूँ, तीन है मेरे, बाकी को मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं करूंगी, बोला ना आपके ब्लॉगर की। मैं क्यों करूँ दूसरे को प्रमोट, मेरे को कौन करता है प्रमोट जब हम लोग दूसरे को करें, मैं ही हूँ, आप ही हो, आप ही हो, बस नंबर वन, फर्स्ट एंड लास्ट, टू थ्री बाद में, आज यार कॉफी पीते हैं, आज प्रिय जी यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, हमारी बहुत ही फेवरेट जगह, यहाँ पे ना ऑप्शन ही बड़े प्यारे प्यारे हैं, सैंडविचेस वगैरह अच्छी है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप लगता है, बुक्स तो मैं पढ़ती हूँ, नहीं नहीं फील है ना, मतलब कैसे जैसे हम लोग चल के जाते हैं, कैसा फील होता है, सीरियस होना पड़ता है, सीरियस। उसकी खुशबू आ रही है, आप तो खाने की रही है, सो नाइस यार, पढ़ना कुछ नहीं है, बट क्या है, नारूड नारू 10, अरे वो मराठी पढ़ दी तुमने, नारुतो है क्या, नारुतो है। आप लोगों को पता ही है कि मैं कितना ज्यादा बुक्स वगैरह में हूँ, तुम भी बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा, बिना बुक्स पढ़े मुझे नींद तो नहीं आती, उठ भी नहीं पाती, मतलब बुक्स के साथ ही उठती हूँ, ऐसे जब पढ़ती हूँ ना मैं, ऐसे थप्पड़ गिर जाता है, फिर सो जाता है, बिना बुक पढ़े नींद नहीं आती, पढ़ने का उल्टी आती है।
ऐसा ही कुछ है, पर बहुत डीप कनेक्ट है मेरा बुक्स के साथ। इसका तो बहुत ही ज्यादा है, ये हर हफ्ते एक बुक फाड़ती है। बुक फाड़ते हो, मेरे को बहुत प्यारी लगती है। अच्छा मैं आपको ना अभी इधर ही खड़ी होके बता दूं कि हम लोग एक दूसरे को जानते कैसे हैं। बहुत लोगों को तो मालूम है, जिनको नहीं मालूम है या हमारे चैनल में नए हैं या मेरे साथ नए हैं तो मैं उनको बता देती हूँ। जेमी को मैं कैसे जानती हूँ, जेमी को मैं इतनी थी, ज्यादा हो गया, ज्यादा अरे यार आज से सोचो ना 2023 है, मैं 2004 से कम जॉनी भाई के साथ शोज कर 2004 20 साल हो गए, 3 या 4। तो अगर 20 साल हो गए तो 20 साल पहले ये कितनी उम्र है आपके और मेरे बीच में, उम्र का इतना फर्क है? हाँ मतलब ऐसा बोल दो, लेकिन लगती वो तो दिख ही जाएगा, वो तो जूरियों से पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक बस एडिटिंग सीखी है, VFX नहीं। तो दैट्स हाउ आई नो जेमी, क्योंकि मैं जॉनी भाई के बहुत शोज करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने ट्रैवल किया है, और कई बार कभी कभी जेमी से मिलना होता था, तभी कभी कभी शो में आती थी बैक स्टेज पापा से मिलने के लिए। मैं इतना नहीं आती थी, पर जैसी मेरा भाई जैसी ज्यादा आता था, बहुत आता था, जैसी बहुत आता था, जैसी भी छोटू सा था, ही इज अ ड्रमर, हाँ जो शोज में ड्रम्स बजाते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता था, वो देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था कि मुझे वो प्ले करना है। जॉनी भाई के बच्चे हैं तो टैलेंटेड तो होंगे होंगे, लेकिन कई बार ना ऐसा होता है कि जैसे आप तो बहुत टैलेंटेड हो लेकिन बच्चे खास निकले नहीं, लेकिन इनको देख लो भाई, मतलब भंडार है टैलेंट का, भंडार। मैं उस दिन दंग रह गया कि मैंने जेमी को जिस दिन फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा जेमी की कॉमेडी कंटेंट, मैंने कहा बड़ा अच्छा किया, फिर देखा मिमिक्री कंटेंट, फिर देखा डांस का वीडियो, उसके बाद देखा कुछ और जो उससे अलग, फिर देखा तीसरी चीज बिल्कुल अलग, शी इज मल्टी टैलेंटेड यार। मैं जब तुमसे बात करती हूँ मुझे सर तक मैं फारा खान से बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हो जाता है कभी कभी, कभी ऐसे बीस सुबह से उठ गई ना मेरा भाई बोलता चल अभी तेरा फारा हो गया, फारा हो गया, कभी मैंने हंस दिया तो लोग बोलते नहीं ये आशा वाला आया है, आशा वाला। दो कैरेक्टर्स तो बहुत ही फेमस है ना, विवेक पारेख, ये दो तो हैं, इवन उषा उत्तुप जी भी, वो तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती करवाया है, करवाया उन्होंने, हाँ खुद से करवाया, उषा उत्तुप जी ने करवाया, एंड शी इज सच अ नाइस पर्सन यार, उषा उत्तुप जी, मैं लेकिन ऑन स्टेज शी इज लाइक सम अदर वॉइस ओनली, जॉनी भाई जब स्टैंड अप करने लगते थे, जब भी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पे आते थे उसके पहले इम्तियाज भाई को बोलते थे भाई इसको आगे बिठा दो, संभावना को ना ये आगे आगे बिठाना क्योंकि ये हंसना शुरू होगी तो लोग हंसना शुरू होंगे, हिंट मिलेगा कि यहाँ हंसना है। तो इनका ना मैंने एक फोटो देखा था इंस्टाग्राम पे, जॉनी भाई का मुंह यहाँ पे है, ये रहा हमारा खानदानी डिफेक्ट है, कुछ नहीं कर सकते, ये जेसी का इधर को था, जॉनी भाई का किधर को था, ऐसे ही है, ऐसा ही है, तीनों का ऐसा है, सुपर प्यार है, इसको इसी बात कॉफी पिलानी बनती है, वाओ जेमी हमें कॉफी पिला रही है, अच्छा मैं पिला रही हूँ। मैंने ऑर्डर करी है मेरी ब्लैक कॉफी, जेमी ने ऑर्डर करी है अपनी कॉफी कैपेचिनो, कैपेचिनो और कुछ एक ना चॉकलेट केक ऑर्डर किया है जेमी और मैंने, तो शुगर फ्री है देखो दोस्तों। जॉनी भाई को मालूम है तुम्हारी हो? नहीं उनको नहीं पता है, जॉनी भाई को सीधा ब्लॉग दिखाना, दैट विल बी रियली नाइस, कहेंगे तुझे यही मिली थी इसी के साथ ब्लॉग करना था, पता है ना उनके ग्रुप में मैं एक काला धब्बा, अरे मैं बहुत गुस्से वाली होती थी ना, तो कभी किसी को मार देना ग्रुप में, नहीं बाहर बाहर के बंदे को, खुश होना चाहिए कि है, हाँ लेकिन तभी वो हंसते थे मेरे पर, उन्होंने मेरे को ना छोड़ दिया सही कि इसका कुछ नहीं हो सकता, हाँ मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं यू नो जॉनी भाई मेरे मेंटोर हैं और जॉनी भाई से मुझे बहुत कुछ सीखने के मिला, तो लोग कहते हैं क्या आपको क्या सीखने के लिए मिला है, मतलब ये कुछ बताओगे, दिखा नहीं हमें जो आपने सीखा वो आपने दिखाया है, वो आपका बिग बॉस में दिख चुका है, ये शुगर फ्री तो लग नहीं रहा, शुगर फ्री अगर तुम्हें मेरी बात पे शक है, तुम्हें कसम है ये तुम खाओ, मैं बिना कसम के भी खा लेता, बराबर वाला बनाया है बेबी, ये तो आटा है, ये कम से कम होगा 500 रुपए का,
₹500 आटे पे चले गए। ये मेरी कॉफी, ये समोरा की कॉफी यहाँ कहाँ गई? मेरी कॉफी नहीं आई है अभी तो, आप रही है। मैं एक्चुअली ये पूछने वाली थी कि आप कौन सी कॉफी पी रहे हो, यहाँ पर आपका कोई स्पेशल ऑर्डर है क्या? मैं तो ब्लैक कॉफी। ये कभी आपको किसी कॉफी शॉप पे बोले ना कि जेमी जरा मेरे लिए कॉफी ऑर्डर कर देना, कभी मत जाना, क्योंकि कम से कम 12 राउंड लगाने पड़ेंगे आपको। इसमें पानी कम हो गया, इसमें कॉफी ज्यादा हो गई, इसमें ये कम हो गया, ये कम गर्म है, ये ठंडी हो गई, ये हो गई। आप बहुत बात कर चुके हो। हाँ, तो मैंने बोला आप अपनी कॉफी खुद बनाएं, मैं आपको नहीं जानता। फाइनली जेमी की भी कैपेचिनो आ गई है एंड दैट्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, मैंने पहली बार सुना है कि कैपेचिनो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पी रहे हो। नहीं, कई लोगों को स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है, ये लोग दूध ज्यादा डाल देते हैं, आई डोंट लाइक ऐसा दूध वाला। तो जी, जेमी और मैं निकल गए हैं यहाँ से, मतलब अविनाश पीछे ही है। इतनी बातें की है, मतलब मैं आपको बता, दो कॉफी हो चुकी है, दो। हम लोग चले नीचे, हम लोग ना एक थोड़ा राउंड लेंगे बाहर और कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए एक रील छाप सके। तो ऐसा जेमी और मैं कोशिश कर रहे हैं। तो पीछे से मेरा बेबी आ रहा है, दिख नहीं रहा है, आ जाएगा। बाहर जा सकते हैं? हाँ, बाहर देखते हैं। हाँ हाँ, हमें कौन मना करेगा भैया, पैसा दिया है हमने, और क्या मना नहीं करेंगे, अच्छे लोग हैं। तो जी, हमने ना ये पसीना देख रहे हो, हमने रील बनाई है बेबी यहाँ पे, दो ही ठो रील बनाई है, एक पवन वाग के गाने पे बनाई है, आप देख लेना, आप दोनों को बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत प्यार। और पवन, ये तुम्हारे लिए है, पवन आई लव यू, यू नो दैट। स्पेशली एक्चुअली ये भी चाह रही थी कि पवन की रील पे हम लोग कोई गाने पे डांस करें बेसिकली, तो पवन दिस इज फॉर यू। इतने अच्छे नाम किसने रखे, मतलब जॉनी, जेमी, जेसी, ये डैडी ने बस ऐसे नेम, बेबी नेम्स बुक जो होती है ना, हाँ, उसमें खोल करके ही जस्ट लुक्ड अप कि जे से कौन सा नाम आता है एंड ही जस्ट पिक्ड समथिंग, उन्होंने जेमी उठा लिया। हाँ, और उनको पता नहीं है कि मेरे नाम का मीनिंग क्या है। अच्छा, मेरे नाम के पीछे की कॉमेडी हुई है। हाँ, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन जेमी है, बट मेरे पूरे चाइल्डहुड और टीनेजर्स में उन्होंने मुझे जेमी बुलाया, जेमी जेमी जेमी, और हाँ, लाइक जैम, हाँ, लाइक जैम। तो वो जो एड हुआ था एक बार फेमस, जैम जैम जैमी, राहुल द्रविड़ का, तो मुझे सब चढ़ाते हैं स्कूल में ना, जैम जैम जैमी, तू जैमी जैमी जैमी। मैं जब कॉलेज गई लंदन, तो वहाँ मुझे लोग बोलने पड़े, बोलने लगे इट्स नॉट जैमी, इट्स जेमी, डोंट यू नो योर नेम, इट्स जेमी, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग डार्लिंग, इट्स नॉट जैमी। तो मेरा बहुत, मेरे साथ बहुत गड़बड़ हुई है, मतलब बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस हुए है मुझे। लेकिन क्या आइडेंटिटी है, दुनिया जानती है, एंड वी लव हर द वे शी इज। और जो फराह खान जिनकी मिमिक्री करती हो, गजब की है। टॉप, या मैं थक गई हूँ, या मैं कितना करो यार, जाने दो मुझे, चलो 5, 6, 7, 8 बाय। फराह खान जी को तो आई लव। अच्छा, पराठा खाना है आपके हाथ का, चलो आ जाओ। हाँ, बिकॉज वो मैं देखती हूँ आपकी रेसिपी, मैंने देखी हुई है। नेक्स्ट घर पे मिलते हैं, नेक्स्ट घर पे मिलते हैं। चलो, लच्छा पराठा, चूर चूर विच यू डन विद मसाला एंड ऑल दैट, चलो डन डन, घर पे लच्छा पराठा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, बिकॉज हमने तो बहुत 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 फन किया। आप देख सकते हैं पसीना छूट गया हमारा, बहुत मेहनत करी है भाई इस व्लॉग में, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फन, ग्रेट डे टुडे, लॉट्स ऑफ लव यू। जेबी, एक बार ना इनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं सब्सक्राइबर हूँ और मैं बहुत रेगुलरली व्लॉग्स देखती हूँ, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम अपसेट, वो घंटी बजती रहेगी और आप देखते रहिए नए नए व्लॉग्स, इट्स रियली एंटरटेनिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू संभावना सेठ एंटरटेनमेंट।